मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ और बस एक आज्ञा मांगता हूँ। मैं पिछले साल बीमार हो गया था तो मेरी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति आप दे दीजिए। ताली बजाकर मैं देखिए, मैं कमल जी, आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतने लोग, इन्होंने सबने बताया किस किस देश गए। मैं देहरादून में ग्रेफी कैरा यूनिवर्सिटी के सिवा कहीं भी कविता सुनाने नहीं गया। इनको सबको इतने इतने पुरस्कार मिले, मुझे ग्रेफिक के काव्य गौरव पुरस्कार के अलावा दुनिया में कोई पुरस्कार नहीं मिला। और राहत साहब हैं, हमारा लाडला प्रवीण, इतने जमे आज सब, आपने इतना सबको इतना मन से सुना और इतने जमे, मुमताज जी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, राहत साहब, प्रवीण शुक्ला, जब इन सबको मालूम था कि हरिओम पंवार यहाँ है तो काहे ये इतना जमने की कोशिश कर रहे थे। देखो, जिसका नंबर सबसे बाद में आता है, कमल जी आप उसकी परेशानी समझिए। आपने कभी सड़क पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर उसी गन्ने को मोड़ के दोबारा कोल्हू में डालते हैं, और कई बार तो गणेश जोशी जी उसी गन्ने को मोड़ के तिबारा कोल्हू में डालते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खोकस खोए हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा की कोशिश कर। गणेश जोशी जी, आपके बारे में मैं बहुत जानता हूं, आप तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कई कारणों से प्रसिद्ध हैं, आप सब जानते होंगे। ये पहला मुकदमा, मैं कानून का आदमी हूं जोशी जी, ये पहला मुकदमा था कि किसी घोड़े को चोट मारने के लिए आदमी को जेल भेजा गया और समझ नहीं आया। मेरी कोई किताब भी नहीं आई, समझिए मैंने कोई किताब लिखी नहीं, मैंने तो एक किताब बस, जो मेरी एलएलडी की पुस्तक है, एनवायरमेंट जुरिस्प्रूडेंस विद एन वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, वो लिखी अंग्रेजी में है। वो मेरी हिंदी भाषा भी नहीं है, मैं अंग्रेजी में पढ़ा, 40 साल अंग्रेजी पढ़ाई एक यूनिवर्सिटी में। मैंने तो कमल जी से जब पहली बार आया था तभी तो कहा था कि यहाँ लॉ शुरू कर दो, मैं अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के आपकी यूनिवर्सिटी में नौकरी करना चाहता हूँ। उन्होंने लॉ शुरू किया नहीं और मैं यहाँ आया नहीं। तो आपको फ्री का कभी मिल नहीं, नहीं, वो कमल जी समझदार आदमी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि पंवार जी साल में कितने कवि सम्मेलन करते हैं। मैंने कहा जी 364 दिन कवि सम्मेलन में रहते हैं। बोले एक दिन के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं चाहिए हमें। हमारी बिटिया ने, यहाँ आपकी बिटिया ने आज कविता पढ़ी। कमल जी ये आप प्रयोग मत कीजिए, हम समझ रहे हैं आप धीरे धीरे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। हम इसका समर्थन नहीं। मेरा मन है ये पूरा सदन एक बार कमल जी के जन्मदिन पर इतनी घनघोर तालियां बजाकर उनको शुभकामनाएं दे। मुझे लगे कि ये घनघोर नहीं है साहब, और घनघोर तालियों से हम कमल जी का एक बार जन्मदिन मनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी के विश्वविद्यालय का, साहित्य और कविता को इतना प्यार करते हैं, हर साल एक बड़े साहित्यकार को सम्मानित करते हैं, हम उनको अपना अपने, अगर मैंने जीवन में कोई गलती से कभी पुण्य कर दिया हो, मुझे नहीं पता जीवन भर में कभी मुझे कोई गलती से पुण्य हुआ हो तो मैं चाहता हूं हे भगवान उस पुण्य का बदला कमल जी के इस विश्वविद्यालय को और ऊंचा उठाने में देना। मैं ये मेहनत करके जा रहा हूं, मैं बैठ के आपको एक कविता सुनाता हूँ, समय की सीमा है मुझे। प्रवीण ने जो, इसको इतना ज्ञान नहीं है, जिसकी शादी नहीं होती उसको भारत में एक बार प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति बनाते हैं, वरना ये मुझे रोज छेड़ेगा कमल जी, इसलिए मैं इसका प्रवीण का मुंह बंद करना चाहता हूँ। एक शादी शुदा ने भगवान के मंदिर में पूजा की, बहुत पूजा की, पूजा करता रहा तो हमारे तो देवता बहुत जल्दी खुश होते हैं, देवता आ गए, बोले क्या चाहिए? बोले कुंवारा कर दो। जब पूजा की तो भगवान ने कहा भाई तू एक मन्नत मांग ले, कोई भी एक मन्नत पूरी करूंगा। उस शादीशुदा ने मन्नत मांगी कि मुझे कुंवारा कर दो।
सुनते ही भगवान की आंखें लाल हो गई, समझ जाओ तो पूरा सदन की तालियां सुनना चाहता हूं एक बार, फिर कविता शुरू करूंगा। भगवान ने कहा, गधे मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं। बहुत अच्छे राहत साहब, छोटा सा मैं दो अंश एक मोदी जी पर कविता के सुनाता हूँ और एक कविता मैं कश्मीर पे सुनाना चाहता हूँ। गौड़ साहब से मेरी बात हुई थी, बीएल गौड़ साहब से, दो छंद केवल मोदी जी पर मैंने कविता लिखी है। स्वागत सर। और कविता में देखिए लाइट बंद कीजिए साहब, सामने से हमको जनता दिखती नहीं, इस लाइट को बंद कर लीजिए प्लीज। मैंने जीवन में कभी भी किसी भी सरकार के समर्थन में कविता नहीं लिखी। मैं आज भी मानता हूं गणेश जोशी जी की कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गईं या सरकार गिर गई। मैंने एक कविता लिखी जीवन भर में केवल सरकार के समर्थन में, जब वाजपेयी साहब ने परमाणु विस्फोट किए, मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैंने उनके समर्थन में कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा जी दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार बचेगी। कविता बची, सरकार गिरी। उसके बाद मैंने किसी सरकार के पक्ष में नहीं लिखी। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, पिछली सरकार को मैं भी नहीं चाहता था, और मुझे ये छिपाने में भी आवश्यकता नहीं है कि मैं बाबा रामदेव के साथ काम करता हूं। मेरा उनके में उस आंदोलन का हिस्सा था जो उस सरकार को हटाना चाहती थी। अच्छा, जिनको हटाना था वो हटा दिए, जिनको लाना था वो ला दिए, अब हम क्या करें? यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए और कुछ काम है नहीं। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, उसका आधा अंश मैं आपको सुना रहा हूं, केवल आधी। स्वागत। 5 मिनट में मोदी जी पर बोलूंगा और 7 मिनट में कश्मीर पर कविता सुनाना चाहता हूं, जो मेरी इन दिनों की सोच है। बहुत अच्छे भाई साहब। 5 मिनट केवल मोदी जी पर सुन लीजिए। एक भी शब्द मोदी जी के पक्ष में नहीं है और एक भी शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है, एक भी शब्द। देखो वो दुनिया से अलग तो है, 65 सालों से हिंदुस्तान की राजनीति में नेताओं ने नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली। पहला नेता है जिसने नोट छीने और वोट ली। छीन के इसी ने ली। दो छंद सुन लीजिए बस, एक पहला छंद एक अंतिम छंद जो अभी समय से आ रहे हैं। आप बिल्कुल समय पे आए, मैं पहला कवि हूं। आदरणीय बैठ, कृपया कृपया थोड़ा सा व्यक्त बैठ जी, थोड़े से जो चीज जाएंगे तो नहीं, अब सुन के ही जाएंगे ना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। एक बात और सुन लो 10 सेकंड की केवल, ये मुल्क आस्थाओं का मुल्क है, निष्ठा का मुल्क है, परंपराओं का मुल्क है। छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, बहुत छोटी सी 10 सेकंड की कहानी। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबराए कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है बेटी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? समझ जाओ तो सबसे पीछे तक बैठे और खड़े व्यक्ति की तालियां सुनना चाहता हूं। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी भी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छे भाई साहब। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। गणेश जोशी जी आप डरना मत, देखिए उठना नहीं कोई, थोड़ी देर के लिए जो बीच में खड़े बैठ जाए। मुझे और कुछ नहीं आता, कविता सुनानी तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कविता कैसे सुनी जाती है ये बताना आता है। मुझसे जुड़िए, मैं थोड़ा एक पढ़ा लिखा हूं। राहत साहब को छोड़ दीजिए, उन्होंने उर्दू पढ़ाई, मैंने बस ये बाकी प्रवीण तो मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती इसको। मैंने 25 साल पहले LLD की थी कमल साहब, इसने मुझसे पूछा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD, तो मुझसे बोला आप BEd नहीं कर सकते थे। मैं उसी दिन समझ गया इसने बिहार में टॉप किया होगा। मैं
ये तो इतना अच्छा पढ़ गए सब लोग, इतना अच्छा पढ़ गए, इतना अच्छा सर आप पर हो गया, मैं तो अपने लिए जमीन तैयार करने का संघर्ष कर रहा हूँ। मुझसे जुड़ जाइए, मोदी जी पर केवल दो छंद सुना रहा हूँ, इसके बाद कश्मीर पर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जो मेरा इन दिनों का दर्द है, आज का दर्द है। बैठ जाए सब जो लोग बैठ सकते हैं। कमल साहब बधाई देता हूँ आपको, पहली बार मैं ऐसे जीवन में कवि सम्मेलन देख रहा हूँ जिसमें जितने लोग प्रारंभ में थे समापन पर उससे ज्यादा हैं, कम नहीं हुए। ये कविता का संस्कार जीने का, आपके टेक्नोलॉजी के बच्चों में आने वाला ये सहयोग हिंदुस्तान को संवेदनशील बनाने में सहायक सिद्ध होगा, हम ऐसी कल्पना करके जाते हैं। सुना, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझना साहब, पूरी कविता की आत्मा मेरी चौथी पंक्ति पर टिकी है। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। फिर दोहराता हूं, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह मैं शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह मैं शस्त्र, सल्यूट करता हूँ आपको, आप समझे, मैं आगे आपको समझा लूंगा। पुत्र मोह मैं शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति जवान हूँ वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं प्रणाम करता हूँ आपको। पहले भी बोला हूँ आज फिर बोलता हूँ, मैं 25 साल लाल किले में गया हूँ, 25 साल, लेकिन 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन कमल जी आपके जन्मदिन के और ग्राफिक यूनिवर्सिटी के एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूँ। प्रवीण ने इतने साल संचालन करके इस देश आपके विश्वविद्यालय के छात्रों के दिलों में जो कविता का संस्कार पैदा किया, उसके लिए प्रवीण भी बधाई का पात्र है। एक बार जोरदार तालियां प्रवीण शुक्ल के लिए बजाइए कि उसने लगातार मन से, निष्ठा से, समर्पण से कमल साहब के साथ उनके जन्मदिन पर रहकर कविता का संस्कार बड़ा किया। राहत साहब जैसे बड़े अजीम शायर को, एक तहजीब का नाम है, उर्दू तहजीब का बड़ा नाम हिंदुस्तान में कोई होता है वो राहत इंदौरी होता है। हम उनके साथ बैठने में भी गर्व का अनुभव करते हैं, उनके साथ मिलने में गर्व का अनुभव करते हैं। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, राजनीति मेरी रुचि नहीं। गणेश जोशी जी, शायद आप राजनीति में रुचि लेते हो और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुचि लेते हो तो आप जानते होंगे, मैं चाहता तो जहां 282 भाजपा के सांसद में बैठे हैं मैं भी होता। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। मैं मेरा जीवन गाता हूँ सुनना, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से। भाई साहब नहीं की साहब मैंने शादी, लेकिन मैं गरीब बच्चे, आप मैं जानता हूं संपन्न परिवारों के हैं, जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं वो बहुत गरीब परिवार के बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैं 850 उन गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं जो झुग्गी झोंपड़ी के रहने वाले हैं और जो जो कचरे में खाना चुनते हैं। मैंने पन्नी बीनने वाले बच्चों को उठाकर के पढ़ना शुरू कराया और मैं कमल जी का बधाई 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 नहीं उनका एहसान मानता हूँ, हर साल मुझे यहाँ से एक मदद मिलती है। मैं उन बच्चों की तरफ से दुआएं देता हूँ उनको, उनके जन्मदिन पर उनको प्रभु इतनी खुशियाँ दे और इतना बड़ा आदमी बनाए कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ बनाए एक छोटा सा ऐसा कॉलेज भी बनाए जिसमें सिर्फ वो गरीब बच्चे पढ़ेंगे जिनके कोई सहारा नहीं है, जिनकी कोई जिनको पढ़ाने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे मासूम गरीब मजलूम देश भारत कल सुंदर तब बनेगा जब आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, शिक्षित पीढ़ी होगी। झुग्गी झोंपड़ियों के यहाँ सुगाता हूँ, लाल किले पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के यहाँ सुगाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी काशीस नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी काशीस नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहा। सत्ता बदली शुरू हुआ मैं, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। अगली पंक्ति समझना,
चुनाव के नतीजे आए, सरकार बदली, में वहीं से कविता शुरू कर रहा हूं। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परम। मुझे तो प्रवीण ने बताया, मैं तो ऐसी बातें सुनता नहीं हूं, लेकिन ये बता देता है तो बोल देता हूं। सहारनपुर में किसानों की फसलें नष्ट हुई, आदरणीय सोनिया गांधी जी किसानों को मुआवजा बांटने आई। उन्होंने किसानों को मुआवजा बांटा जिनकी फसलें नष्ट हो गई, तो कुछ किसानों ने आपस में पैसे इकट्ठे किए और मैडम के पास पहुंचे, सोनिया जी के पास, कि मैडम लो। बोले मुझे क्यों, समझ जाओ तो ही ताली बजाना। तो किसानों ने कहा मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, एक शब्द तारीफ में नहीं बोला मैं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया हो इतिहास में कि वो कल रेखांकित रहेगा, तो उठाना एक बार तालियां, मेरी पंक्ति सुनना। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर सिर झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर। मुमताज जी तुम भी ताली बजाओ, मैंने तुम्हारी उन गजलों पर, गीतों पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। बजाना पड़ता है रूबी जी, आप भी बजाओ, पद्मश्री हो। तुमने जिस दिन संसद की चौखट पर सिर झुकाया था, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को। छात्रों बुजुर्गों से नहीं कह रहा, छात्रों से कह रहा हूं, एक सीख दे के जा रहा हूं। मैंने मोदी जी के साथ 20 साल बैठ के चाय पी है, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं हुए थे, हरियाणा देखते थे, तब से मैं उनसे परिचित हूं, उनसे उठ के साथ उठता बैठता हूं। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आप जिसके साथ उठते बैठते हो वो देखते ही देखते हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है ये तय करने का अधिकार बड़े आदमी पर मत छोड़ना, ये तय करने का अधिकार अपने पास रखना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। मैंने गंभीर बात कही थी, मैं नहीं जानता आप कितने समझेंगे, मैं इसी को कविता में समझा रहा हूं, सुनना। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो, मैं जोश में आना मेरे साथ, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का रुमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। हनुमान अंतिम छंद सुनिए, देखिए मैं कश्मीर सुनाना चाहता हूँ, इस कविता का आखिरी छंद सुन लो बस, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, बीच का हिस्सा मैं काट रहा हूं। समय की सीमाओं के हिसाब से मैं कश्मीर पर एक कविता पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले मोदी जी वाली कविता का मैं आखिरी अंश सुनाता हूं आपको, सुनना। ये सौगंध तुम्हारी, भाई माइक बहुत अच्छा कर दिया था आपने, उतना ही रखो वॉल्यूम, मैं अपना बढ़ाता हूं, ये इसका कम कर देते हैं, ये यूनिवर्सिटी का ही है कि सरकार का? सरकार का भी हो तो थोड़ा सा बढ़ा कर, थोड़ा बढ़ा देने, मैंने शुरू किया था बहुत अच्छा था, आप उसके बाद प्रयोग मत करो। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, चौधे के नारे याद कीजिए, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत मां की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा। साहब हर सरकार ने काम किया है,
चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो, सबने काम किया। मेरा बात ध्यान से सुनना, सबने आदमी के लिए विकास का काम किया, किसी ने भी आदमी के विकास का काम नहीं किया। अगर हमने आदमी का विकास किया होता तो हमारे साधु संत जेलों में नहीं पड़े होते हैं, और वो जेलों में किसी धार्मिक काम के लिए नहीं है। जो आवाज निकाल रहे हैं वो जानते हो किस काम के लिए। फिर 9 सेकंड मांगता हूं, मैंने संवेदनशीलता पर इससे ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है। एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत महंगी कार में एक साड़ी की दुकान पे आई, और कार में बैठे बैठे दुकानदार को बुला के कहा, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। खास बात जो कहने जा रहा हूं उसको कानों से मत सुनना, दिल से सुनना। उसके आधे घंटे बाद एक 85 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी हुई रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। मर गए संवेदनाओं के मुल्क में मैं मांग उठाता हूं। गणेश जोशी जी आप बैठे हैं इसलिए मैंने एक कविता का चुनाव किया, और अंतिम छंद सुनाने के लिए मैंने आपसे समय मांगा। मैं 12 लाइन पढ़ रहा हूं, एक एक लाइन में भारत की जनता की एक एक मांग है केंद्र सरकार से, यहां से नहीं, लोकल नहीं, मैं छोटे शिकार करता ही नहीं। मैं भारत सरकार से, भारत की जनता की ओर से 12 लाइन पढ़ता हूं। एक एक लाइन में एक एक मांग है, और आपको लगे कि मांगे पूरी होना चाहिए, और कोई ये मांग पूरी कर दे वो हमारा इष्ट हो, मैं तो पूजा करूं फिर उसकी। सुनना मांग सुनना, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह 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 वाह, इतनी तालियों से तो नहीं हो सकती साहब। और दूसरी मांग सुनना, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के। और तीसरी मांग गौर साहब आपको समर्पित करता हूँ, कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। वाह 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 वाह। और चौथी पंक्ति जो समझ जाए उनकी तालियां चाहता हूं, कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, तुम चाहो तो भारत के घर घर को दीवाले दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा, अंतिम पंक्तियां सुन लेना बस, आखिरी एक पंक्ति में थोड़ा सा पक्षपात है, इतना तो भारत में चलता है। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। वाह वाह वाह। अगर तुम देश में ये सिद्ध कर दो कि सबका साथ सबका विकास ही तुम्हारा लक्ष्य है, तो 19 भी तुम्हारा है और 24 भी तुम्हारा है। इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। आखिरी पंक्तियां मन से सुन लेना बस, कोई ऐसा हो जाए तो वो मेरा इष्ट हो जाए बस। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सब अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संग...
संगम हो, ऐसा लगे कि देश दोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा क्या हो भाई? नहीं कोई कोई टेक्निकल फॉल्ट है? कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, वोल्टेज कम है उसका, मेरा बोलने का वोल्टेज ज्यादा है। आगे आवाज जा रही है ना आपको, पीछे मन, आगे आवाज आप सुन रहे हैं ना, आ रही है आवाज, आगे जा रही है, मॉनिटर बंद हुआ है। क्यों मॉनिटर बंद कर रहे हो मेरे लिए? ये स्टेज वाले मॉनिटर बंद हुए हैं। अगर मेरी जन्म कुंडली में नहीं होती तो क्या मेरी शादी नहीं होती? विघ्न लिखे मेरी कुंडली में, ये प्रवीण ने कराया सब। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सब अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देश दोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि अगर आपको ठीक कर देंगे तो आगे करता पड़ूंगा। ये कोशिश, ये मॉनिटर्स चला दीजिए, मॉनिटर्स की प्रॉब्लम है। नहीं मॉनिटर क्यों बंद किए फिर भैया, ये कर दो ना यार। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ और मेरी पीड़ा समझना, मैंने कविता क्यों सुनाना चाहता हूँ, ये प्लीज लाइट भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लाइट बंद कर। मैं जनता को बिना देखे अपने वश में कर ही नहीं सकता। मैं मानता हूं मोदी जी देश की सारी समस्याएं हल कर देंगे, सारी समस्याएं, डीजल 10 रुपए हो जाएगा, पेट्रोल 11 रुपए, हवाई जहाज का टिकट 100 रुपए का, टमाटर फ्री, लेकिन अगर कश्मीर से हमारे बेटे तिरंगे में लिपटकर यूं ही आते रहे तो देश मोदी जी से भी जवाब मांगेगा। मैं इसलिए करता सुनाना चाहता हूं। क्यों भैया नहीं नहीं चल रहा? नहीं तो मुझे तो नहीं आ रही। कमल जी हुआ क्या? हाई वोल्टेज से वायर अब ठीक आ रही है? मैं 2 लाइन पढ़ता हूं, ये तय कर देंगे कि मैं इस कविता को पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। 2 लाइन, आप इस तेवर को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? मैंने तेवर बताया नहीं और आप ताली बजा रहे। मैंने कहां बताया क्या तेवर है मेरा? मेरा तेवर ये है, मैं ये सोचकर परेशान हूं कि ये पाकिस्तान हमसे डरता क्यों नहीं है। 71 की पिटाई के बाद हमसे पाकिस्तान 48 सालों से नहीं डरा। हम उम्मीद करते थे मोदी जी आएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि सीमा पर वो दखलंदाजी करे, उसकी हिम्मत नहीं होगी भारत में आतंकवादी भेजने का साहस दिखाए, लेकिन हुआ। क्या हो सकता था, क्या करते कि वो डरता? 2 लाइन तय करेंगी, ये 2 पंक्तियां तय करेंगी कि इस कविता को सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। आधे लोगों की ताली बजी तो आधी कविता सुनाऊंगा, एक एक व्यक्ति की ताली सुनने को मिल गई तो पूरी कविता सुनाऊंगा। आप सुनना चाहते हैं कि ये तेवर नहीं, 2 लाइन में सुन लीजिए। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। सुनना चाहते हैं ये तेवर, उठाइए जोरदार तालियां। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत में लगे रहे। मैंने प्रवीण से पूछा, हम हंसी में कुछ भी बोलते रहे, मेरा छोटा भाई है लेकिन प्रज्ञा मेधा में मैंने कई बार उसको अपने से बड़ा पाया। ये हिंदुस्तान का अकेला कवि है जिस साल इसको ग्रेफिक विश्वविद्यालय का 1 लाख का पुरस्कार मिला, उसी साल इसको काका हाथरसी का भी 1 लाख का पुरस्कार मिला। एक ही साल में 1-1 लाख के 2 पुरस्कार मिलने वाला ये हिंदुस्तान का सबसे लाडला युवा प्यारा कवि प्रवीण शुक्ल है, जिसके मान में इस गौरव लिखा गया कि 1 ही साल में 1-1 लाख के 2 सम्मान उसको मिले। मैंने इसे पूछा, ये बता भाई, हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, उसका करेगा क्या? बड़ा जवाब दिया प्रवीण ने, 14 साल से उसका प्यार पाते हैं आप और वो आपके प्यार से पलवित होता है,
अगर आपको बहुत बड़ा जवाब लगे प्रवीण का तो तालियां प्रवीण को भेजना। प्रवीण ने कहा भाई साहब उसकी फौज कायर है। जिस मुल्क की फौज ने 1971 में बांग्लादेश बनते समय 93,000 सैनिक हथियार फेंक दे उसकी मुल्क की फौज को आज बहादुर हो गई होगी। उसकी फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है। ये आतंकों के इसी जोश में सुनना साहब मैं पूरा सुना रहा हूँ। गणेश जोशी जी आपको समर्पित करता हूँ, कहता आपको कहीं अच्छी नहीं लगेगी लेकिन वो काहे का हरिओम पवार जो सच ना बोले। मेरे दिल में केवल देश धड़कता है, केवल मेरे दिल में देश धड़के। मैंने किसी लड़की को इस दिल में आने ही नहीं दिया। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते गर हमने दो के बदले में 20-30 काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के चरणों में, सेना का सम्मान बढ़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? इस सवाल का जवाब जो मैंने दिया है वही आपके दिलों में हो तो फिर तालियों का आक्रोश कम मत करना, तालियों का आकाश भी कम मत करना, तालियों की घनघोर आवाज भी कम मत करना। वही मन में आपके हो जो मैं कह रहा हूं सुनना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांत के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं बो सकता। पीपल छाया मांग रहा था यूपी करके पेड़ों से, मोदी जी गए नवाज शरीफ के घर बिना बुलाए चाय पीने। बिलाया उस चाय का भी 10 दिन पहले 252,000। मैंने पूछवाया मोदी जी साहब क्यों गए, बोले अरे तुम कवियों की वजह से गया, तुम मेरे खिलाफ कविता लिखोगे कि मैंने कोई शांति की कोशिश नहीं की, मैंने बातचीत नहीं की, मैं इसलिए गया। मैंने कहा ले आए शांति। वाजपेयी साहब गए थे बस में बैठ के लाहौर, वो करगिल लेके लौटे थे। आप बिना बुलाए चाय पीने गए, आप पठानकोट लेके लौटे। मैं देहात का आदमी हूं कमल साहब, झोपड़ी में पैदा हुआ हूं। एक 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए चला जाए तो कभी क्या सोचेगा? आपको मेरी उपमा अच्छी लगी हो देहाती आदमी की तो मुझे प्यार से संवारना। पीपल छाया मांग रहा था यूकी करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई। हम कस्तूरी खोज रहे हैं, और छोटी करता हूं करता, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। रावल पिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इसराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इसराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडी धर्म की भाषा में। चार पंक्ति पढ़ रहा हूं। रोज तिरंगे में लिपट के लाशें आएंगी, रोज किसी माँ की गोद खाली होगी, रोज किसी बहन की राखी जलेगी। तो मैंने दुखी होकर लिखी है साहब, और ग्राफिक विश्वविद्यालय के छात्रों के इस नौजवान खून के सामने वादा करके जाता हूँ, मोदी जी से जिस दिन मिलूंगा यही गाऊंगा, उनके सामने कहूंगा कि देश मजबूरी में मेरी ये बात सुनने लगा है। आप मत सुनो लेकिन देश सुनने लगा है। आपको मेरा विचार अच्छा लगे तो फिर मैं जितनी ताकत से समर्थन कर दोगे उतनी ताकत से आगे कह सकूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांधी धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? ये जो हाफिज शरीफ हमारी बीमारी है पाकिस्तान की, इसको हम ही छोड़ के आए थे कंधार।
हवाई जहाज में बैठा के ले गए थे, विमान अपहरण हुआ था, 36 कैदी मांगे थे वाजपेयी साहब की सरकार के समय। मैंने तब भी कविता लिखी थी कि मत छोड़ो, लेकिन छोड़े। मैं तब की 3 लाइन 4 लाइन सुना रहा हूं। मैंने तभी लिखा था जब विमान अपहरण कर लिया था और आतंकवादी मांगे गए थे फिरौती में, तब ये छोड़ा गया था हाफिज सईद सलाउद्दीन खान, ये तब गए थे हवाई जहाज में बैठकर जसवंत सिंह के साथ। मैंने तब भी लिखा था जब 36 कैदी मांगे थे, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है। और साहब दिल पर हाथ रखकर सुनना, एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ भी भाजपा रूल करती है, दिल्ली भी भाजपा रूल करती है, गणेश जोशी जी माफ करना, एक कवि को सुन रहे हैं आप, कवि की पीड़ा सुनना और ये सवाल पूछने का हक हमारा है कि नहीं, मैं जनता से चाहता हूँ बताएं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, मैं नहीं जानता नई पीढ़ी ने गांधी कितना पढ़ा होगा, और गांधी के बारे में थोड़ा भी जाना हो तो मुझे समझ जाओगे मैं कहां बोल रहा हूं, और मेरी बात समझ जाओ तो मुझे बताना कि आप मेरी बात समझे। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा, सल्यूट आपको, आप समझे, ये गांधी, आदरणीय बैठ जाओ प्लीज, हुजूर वहीं बैठो जहां से उठो, ये भारत की संसद नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा, ये ग्रेफिक यूनिवर्सिटी की अदब की महफिल है, और आपके उठे तो मैं मणिपुर ले जाऊंगा और मंत्री बनवा दूंगा आपको। सुनना मैं अंतिम, बिल्कुल अंतिम कर रहा हूं मैं समय का, मैं भी एक अनुशासित सिपाही हूं और मैं जीवन में कभी अनुशासन नहीं तोड़ता, कभी अनुशासन नहीं तोड़ता। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो, दिल्ली वालों सेना को भी कुछ निर्णय कर लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से ले लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, मैं 3 दिन पहले बंगलौर में था, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं जोश में पढ़ूंगा, आप जोश में सुनना, फिर आगे मेरे मुंह से यह निकल गया कि मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना, फिर मेरे मुंह से यह भी निकला कि मैं यहां से आपको जीतता देखना चाहता हूं, मैं यहां से हार के जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यह तय हो जाए कि मैं जितना जोश में पढ़ रहा था उससे कहीं ज्यादा जोश में जनता सुन रही थी, मैं वहां से हार के आया हूं, मैं ग्राफिक से भी हार के जाना चाहता हूं, मेरी जीत इसी में है कि मैं हार के जाऊं। एक क्षण पढ़ता हूं, देखना चाहता हूं मैं जोश में ज्यादा पढ़ूंगा या आप जोश में ज्यादा सुनोगे। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष्ण भारत के नारे हों, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो, बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुद्दारी की, दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा जहां तिरंगा। बर्मा बांग्लादेश सड़क सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे, दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर, दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं, अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सी, दुनिया को एहसास कराओ
दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। गणेश जोशी जी, फिर माफी मांगता हूं, मैं एक बहुत कठोर बात नेताओं को लिखना चाहता था, बहुत कठोर, और मैं इस सलीके से लिखना चाहता था कि उनकी समझ में ना आए। आए तो तब तक आए जब तक मैं उस शहर से निकल जाऊं। मैंने कोशिश की आप समझ जाओ, तो मैं इससे ज्यादा कठोर भाषा राजनीति के लिए नहीं बोल सकता। मेरे जीवन की सबसे कठोर भाषा जो मैंने राजनीति के लिए बोली है, सुनना। सैनिक अपने, आप उसकी तीव्रता समझना मैं कहां बोल रहा हूं, उसका नतीजा देखना मेरा कितना कितना कठोर नतीजा है उसका। आप समझ जाओ तो तालियां उठाना, मैं समझूंगा कि मैंने तमीज से लिख दिया और जो मैं लिखना चाहता था वो मैं कह सका। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं। ये माइक मेरे समय खराब होना था, ये खराब हुआ है या कराया गया है ये तो अमल ही जाना। नहीं नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा इसको इससे बोल दीजिए, ये ठीक चल रहा है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियाद, समझना साहब, उसका नतीजा इससे बड़ा कठोर कुछ हो ही नहीं सकता। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सदा अपनी ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। अंतिम छंद सुनाता हूँ सर, अंतिम छंद सुन लीजिए। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा, अंतिम मैंने बहुत दुखी होकर लिखा है सर, मुझे, मैं समझता था जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जरूरत है। जो उस दर्द को सह रहे हैं, जिनके बेटे रोज शहीद हो रहे हैं, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता है, सुनना। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब ना सूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद कर। और आखिरी दो लाइन बहुत भरे दिल से लिखी है। मैं आज भी मानता हूं मोदी जी से भूल हो सकती है, मोदी जी से गलती भी हो सकती है, लेकिन मोदी जी की निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता, कोई शक नहीं कर सकता। 4 साल में एक आदमी एक छुट्टी नहीं ले, रोज 18 घंटे काम करे, और एक भी दाग जिसके सफेद कुर्ते पर बेईमानी का ना लगे और ना लगने की संभावना हो, उस आदमी के प्रति हमारी निष्ठा आकर्षण। लेकिन फिर भी कवि होने के नाते जो मैं सबसे कठोर बोल सकता हूं उनके लिए, वो मैं बोल के जा रहा हूं, वो भी जानते हैं कि बोलेगा मानेगा नहीं। अंतिम दो लाइन सुनना। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेंगी युग युग स्वर्णिम सूची में, वरना नाम मिलेगा नेहरू वाली काली सूची में। बहुत बहुत धन्यवाद।